सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। IPL 2018 इस बार ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कल IPL का दूसरा दिन था। दूसरे दिन तीसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। कोलकाता ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने 177 रनों का लक्ष्य दिया। कोलकाता ने इसे 7 गेंद पहले 6 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। क्रिस लेन जल्द ही पवेलियन चले गए, लेकिन सुनील नरेन तूफानी पारी खेलते हुए मात्र 17 गेंदों में अर्धशतक बना लिए। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। वे उसी स्कोर पर उमेश का शिकार बन गए। फिर उमेश ने रोबिन उथप्पा को 13 रनों से चलता किया। नीतीश राणा ने 25 गेंदों पर महत्वपूर्ण 34 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताजा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि IPL 2018 की हर ताजा और मजेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।